हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 के पीछे जो बैक ग्लास होता है, या फिर उसी के सिमिलर जो भी फ़ोन से जिसके पीछे बैक ग्लास का कवर है, उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हुई है मुझसे एक गलती जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ताकि वही गलती आप लोग ना दोहराएं जो कि मैं इस वीडियो में कर चुका हूँ। तो चलिए फिर देखते मुझसे क्या गलती हुई है और शुरू करते हैं अपने वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले तो आप लोगों के पास अगर हीट गन हो तो हीट गन को यूज़ कीजिए, या फिर आप घर पे ही उसे खोलना चाहते हो तो फिर आप उसे हेयर ड्रायर की मदद से भी खोल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हेयर ड्रायर को ऑन कर लीजिए और हीट मोड पे रख लीजिए। फिर आप बैक ग्लास को जिस जगह से खोलना चाहते हैं उस जगह पे अच्छे से हीट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम रॉकर बटन या फिर जो पावर बटन होता है वो दोनों साइड से आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग साइड होती है, वहाँ पे ग्लास आप इजीली लिफ्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक शार्प ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है एक शार्पनर का ब्लेड, जो फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ लिफ्ट करने के लिए चाहिए होगा। लिफ्ट करने के बाद आप उसे इस तरह से किसी भी प्लास्टिक के टुकड़े, जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स हो गए या फिर आपके पास गिटार का पिक हो तो आप गिटार के पिक से भी उसे लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप गिटार के पिक या फिर प्लास्टिक के कार्ड को अंदर एक बार डाल लेंगे, फिर से एक बार सब साइड्स पे हीट कर लीजिए, और जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी स्लाइड करिएगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही मैं बॉटम की साइड पे आता हूँ तब भी मुझसे होती है गलती। मैं बॉटम की साइड पे जैसे ही ईयरफोन के जो कनेक्टर है उस तरफ से आके मैंने उसको छोड़ दिया, और वापस से मैं जा रहा हूँ पीछे की तरफ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा मत करिएगा, जिस तरफ आप एक बार जा रहे हो उसी तरफ से जाते हुए पूरा सर्कल एक पूरा कंप्लीट कर दिए, ताकि जो उसका ग्लू है वो इवनली वहाँ से निकल जाए। यहाँ पे मैं वापस से बैक साइड पे आके मैंने वो प्लायर जो था, प्लास्टिक का टूल, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। वो रखने के बाद मैं उसे वापस हीट करके मैन्युअली अपने हैंड से लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दोस्तों यहीं पे हो जाती है मुझसे बड़ी गलती, जो आप आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये ओपन करते हो दोस्तों, आपको एक ग्लास का क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। और दोस्तों, ये हो गया है मेरा ग्लास फोन का क्रैक नीचे बॉटम की साइड पे, जो ईयरफोन का प्लग था वहाँ से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ग्लास क्रैक हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो करते हैं फ़ोन को अभी अनस्क्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक प्लस वाला जो छोटा ड्राइवर होता है उसको। यहाँ पे जितने भी मैं स्क्रू खोलना हो दोस्तों, आपको उसी सभी स्क्रू को खोलना होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 में। तो आप बस गिनते जाइए कितने के स्क्रू खोल रहा हूँ मैं, और देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को जो ये वायरलेस चार्जिंग की कॉइल है वो निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट कंफर्म कर रहा था कि वायरलेस चार्जिंग का जो ये कॉइल है उसके नीचे कोई भी स्क्रू या फिर कुछ ऐसा है नहीं है जो कि फ़ोन के बैक कवर को स्टक करे मदरबोर्ड के साथ। तो उसके नीचे एक भी स्क्रू नहीं होता दोस्तों, आपको वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल और फ्लैश के आसपास वो ग्लू से स्टिक किया हुआ है, तो उसे आप अगर ज़ोर से खींचोगे तो उसका केबल कनेक्शन जो है कॉइल का वो टूट सकता है, तो उसे आप नहीं निकाले तो अच्छा रहेगा। और फ़ोन को ओपन करने से पहले उसका जो एस पेन है और जो सिम ट्रे है वो आप सबसे पहले निकाल लीजिएगा, तो वो आपका ख़राब ना हो। और कुछ इस तरह से फ़ोन आपको दिखेगा दोस्तों अंदर की तरफ, जैसे कि बैटरी कनेक्टर है, कैमरा मॉड्यूल है और मदरबोर्ड आपको पूरी तरह से दिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप फ़ोन को खोल सकते हो, और जो मैंने गलती की थी दोस्तों, आप वो गलती मत करिएगा, आपका फ़ोन उससे बच सकता है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।